अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद सरवर चिश्ती, न्यूली अपॉइंटेड सेक्रेटरी अंजुमन सैयद ज़ादगान खुद्दाम ख्वाजा दरगाहशरीफ अजमेर। ये जो परसों इंसिडेंट हुआ है, रैली निकली है, नूपुर शर्मा जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे, तो पुलिस उस पर अपना एक्शन ले रही है। इसलिए अब हमें पुलिस की व्यवस्था पे विश्वास रखना चाहिए और सोशल मीडिया पे जो हमारे लोगों का बयानबाजी करना है उसको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि पुलिस ने कॉग्निजेंस ले लिया है और पुलिस अपना काम कर रही है। इसलिए हमको अब यहाँ पे शांति बहाल रखनी है। दैट्स ऑल, फिया मानिल्ला, अल्लाह हाफिज। प्लीज अस्सलाम वालेकुम। नूपुर शर्मा के मुताबिक पुलिस ने सख्त जो कार्रवाई करी है, हमें भी इस बारे में कोई बयानबाजी नहीं करनी है। कोई अपने हिस्सा से जो छोटे मीडिया को बयान दिए हैं, हमें पूरे पूरा विश्वास है इंशाल्लाह पुलिस भी कार्रवाई करेगी और आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद है पुलिस से सख्त कार्रवाई करेगी। आप मेहरबानी करिए कोई बयानबाजी ना करें। अस्सलाम वालेकुम बरादरान कौम, नौजवान मेरे साथी हो, मैं आप लोगों से अंजुमन का नायब सदर होने की हैसियत से गुजारिश करता हूँ कि आजकल जो व्हाट्सएप के ऊपर जो आप लोग चल रहे हैं, नूपुर शर्मा के मुतालिक जो बयानबाजी कर रही है, दुकानदारों के मुतालिक जो बयानबाजी हो रही है, उसको आप फिर बिल्कुल बंद कर दें बराए मेहरबानी, क्योंकि पुलिस ने उन तमाम हर लोगों के खिलाफ अपने मुकदमा दर्ज कर लिए। अब हमें पुलिस के ऊपर, कानून के ऊपर अपने को यकीन रखना पड़ेगा। तो आप लोगों से मैं दोबारा ये गुजारिश कर रहा हूँ, तमाम फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर अपने बयानबाजी को बंद कर दें और जो भी होगी जिम्मेदारान अंजुमन है, सेक्रेटरी साहब हैं, सदर साहब हैं, जो भी बात करनी हो आप इनसे आके बात करें, उसके बाद जो भी काम करना होगा वो हम लोग करेंगे। शुक्रिया।